सो आइए बेटे स्टार्ट करें. सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बेटे. तो इसमें सिलेबस की टर्म्स में बेटे सीबीएसई ने काफी चेंजेस किए हैं. अब सिलेबस इतना ज्यादा नहीं जितना प्रीवियसली हुआ करता था. सो प्रेजेंटली बेटे वी विल बी डीलिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द बैंड्स आर द एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स एंड अलोंग विद दैट एक बेसिक डिस्कशन कर लें कि सॉलिड्स होते क्या हैं और कितनी टाइप के होते हैं बेटा. सो लेट अस स्टडी दैट व्हाट बेटे व्हाट डू वी मीन बाय सॉलिड्स और सेकेंडली जो सॉलिड्स हैं बेटा इनकी टाइप्स क्या है फिर हम आगे चलेंगे बेटे. सॉलिड्स बेटे जैसे हमें स्टेट ऑफ मैटर इनसे अंदाजा हो जाता है कि जो सॉलिड्स हैं इनकी एक डेफिनेट शेप है साइज है इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है. एटॉमिक और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की अगर बात करें तो एटम टू एटम और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सॉलिड्स के जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है रिजिड है. दे पोजेस द एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी और फर्दर मोर इस रिजिडिटी के एलिमेंट की वजह से ही इन सॉलिड्स का बेटा जो है एक डेफिनेट शेप है डेफिनेट एक साइज भी है बेटा और ये इसको मेंटेन भी करते हैं. सॉलिड्स को बेसिकली हम बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड बेटे हमारे जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इन दो टाइप्स में डिफाइन या डिवाइड कर लिया करते हैं. तो वी हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकंड टाइप हमारे पास बेटे अमॉर्फस अमॉर्फस सॉलिड्स की है. ये जो हमारे पास दोनों टाइप के बेटे सॉलिड्स हैं जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में अगर हम बात करें तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपके जो सॉलिड्स हैं ये एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं और ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर इंडिकेट करते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज इनकी जो है ये बेटा मेल्टिंग पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया दीज आर फर्दर मोर बेटे डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द डिफरेंट एटम्स. अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की बेटे तो इन अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में इनका बेटा जो है अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स वो फिक्स नहीं होता. रबर वगैरह जैसे है आपकी ये अमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जाम्पल आप एज एग्जाम्पल इसको देख सकते हो. इस केस में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अलोंग एनी ऑफ द एक्सिस बेटे दे अंडरगो अ स्लाइट वेरिएशन इन द शेप और इन द साइज और फर्दर मोर दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स शार्प नहीं होते हैं. ये इनके बेसिक कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. हमारा पर्पस बेटे बेसिकली इनको डील करना नहीं. हमारा पर्पस बेसिकली है सॉलिड्स के केस में एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं उन बैंड्स की फॉर्मेशन के बारे में बात करना और उससे भी पहले एनर्जी बैंड्स से पहले एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड इनमें फर्क क्या है. लेट अस बेटे फोकस अपॉन दैट फैक्ट आल्सो. एनर्जी लेवल्स की अगर बात करें मैं एक बेटा सिलिकॉन आपका जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है इसकी एग्जांपल ले रहा हूं. इसका एटॉमिक नंबर 1, 4, 14 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 देन बेटे 3s2 एंड 3p2 और इस केस में देखिएगा आपका n इज इक्वल टू 1. जब आप पहले शेल की बात कर रहे हो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड हैं. n इज इक्वल टू 2 में आपके पास 2 यहां पर 6 यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड हैं. n इज इक्वल टू 3
इसमें आपके पास में के फोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हो एट सकते हैं, इट मींस कि फोर वैकेंसीज हैं इसमें। अब सिंगल एटम अगर सिलिकॉन का अगर हम कंसिडर करें तो यू कम अक्रॉस द फैक्ट दैट कि ये आपके पास में थे एनर्जी लेवल आपका 1s है, ये आपके पास आपका एनर्जी लेवल 2s और 2p इससे ज्यादा डिस्टेंट नहीं। देन वी हैव 3s बेटा एनर्जी लेवल और यहाँ पे आपके पास 3p एनर्जी लेवल है। ये सिंपल एनर्जी लेवल्स आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच इधर आपको दिए गए हैं। अगर बेटे हम ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स कंसिडर कर लेते हैं, दैट बिकम्स बेटे एनर्जी बैंड। अगर आप ये तो चलिए आपके पास एक एनर्जी लेवल है बिकॉज आपने एटम ही एक लिया है। सपोज आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आप कंसिडर अगर करो, देन द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स और एनर्जी स्टेट्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ग्रुप एनर्जी लेवल्स का जो है कलेक्टिव ग्रुप, इसको हमने बोल दिया एनर्जी बैंड। हम एनर्जी बैंड्स की फॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं कि एनर्जी बैंड्स बनते कैसे हैं। ग्रुप्स तो आप जब इन एनर्जी लेवल्स की ग्रुपिंग कर लोगे बन जाएंगे, लेकिन उन ग्रुप्स की या बैंड्स की फॉर्मेशन होगी क्यों, किस हिसाब से होगी, आइए बेटे ये सारे का सारा हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल स्टडी करके देखें। इमेजिन करिए ये वर्टिकल एक्सिस हैं आपके और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आपने एनर्जीज कंसिडर कर रखी हैं और इस तरफ आपने इंटर एटॉमिक सेपरेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स कंसिडर कर रखी है। इंटर एटॉमिक सेपरेशन एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपने एक्स एक्सिस के अलोंग और एनर्जी आपने वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एनर्जी कंसिडर की। जब आपका सिंगल एटम था आपके पास बेटा ये 1s2, दिस इज योर 2s2 सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस इज 2p2, दिस इज थर्ड वन 3s2 एंड 3p2 एनर्जी लेवल्स इस तरीके से आपने अरेंज करके रखे हुए हैं। डिस्टेंस आर एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा है, लार्ज है। अब एक एटम की जगह पर आपने मल्टीपल एटम्स अगर ले लिए, एन नंबर ऑफ एटम्स आप अगर कंसिडर कर लोगे, तो आपके पास जैसे ये सिलिकॉन सिंगल एटम था, अगर आप 1 2 3 सो ऑन एन एटम्स कंसिडर करोगे, तो एन एटम्स जब आप उनके बीच में इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम करोगे, देयर मस्ट बी इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ द वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर। आई मीन टू से दैट कि इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस बेटे जो हैं, जब जब आप एटम्स को नजदीक लेके आते हैं स्टार्ट हो जाएंगी और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनकी इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन की वजह से जैसे जैसे ये वाला डिस्टेंस कम होगा आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच में इंट्रैक्शन की वजह से बेटा ये एनर्जी लेवल्स अब मल्टीपल एनर्जी लेवल्स जो हैं इस तरीके से बनने स्टार्ट हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे आपके ये थर्ड एस और थर्ड पी को जो भी एनर्जी लेवल्स बिलोंग कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इतना एटम्स के बीच में कम कर दोगे आप कि आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। एक एक एटम के कोरिस्पॉन्डिंगली ये था। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 2n इलेक्ट्रॉन्स आपके n इज इक्वल टू वन शेल में हो गए, n इज इक्वल टू सेकेंड शेल में 8n इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे,
इज इक्वल टू थर्ड शेल में 4n इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल्ड हैं, हो कितने सकते हैं, 8n हो सकते हैं। इट मींस दैट कि 4n आपके एम्प्टी स्टेट्स भी इसमें प्रेजेंट है। फिर से ध्यान दीजिए एक बार, सिंगल एटम इसके एनर्जी लेवल्स हमने बना लिए इस तरीके से 1s 2s 3s जो भी है ऐसे करके। उसके बाद आपने नंबर ऑफ एटम्स काफी इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए। नंबर ऑफ एटम्स अगर बढ़ जाएंगे लेकिन वो हैं दूर दूर, तो दैट विल नॉट अफेक्ट द एनर्जी लेवल्स इंडिविजुअली उनके बीच में, क्योंकि इंट्रैक्शन नहीं है। लेकिन द मोमेंट आप इनकी इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम कर देते हो, अगर इनके बीच में डिस्टेंस को कम करोगे, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके बीच में इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन का मतलब है एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एक एटम का न्यूक्लियस बाकी दूसरे एटम्स का न्यूक्लियस, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे एटम्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके बीच में अगेन रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा। तो अब आप इनको नजदीक लेके आ रहे हो, जब आप इनको नजदीक लेके आ रहोगे आओगे तो इन एनर्जी लेवल्स की इंट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि एटम्स बहुत हैं, आपको एक से ज्यादा एनर्जी लेवल्स इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स जब, या एन एटम्स जब वो सेपरेशन काफी कम कर दोगे, तो इस 3s और 3p इनमें आपके पास टोटल 8n एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स टोटल 8n हैं। इनमें से 4n फिल्ड हैं और 4n एम्प्टी भी हैं। अब जो एम्प्टी है फिल्ड है ये इंटरमिक्स हो गए, हमें नहीं पता चल रहा कि इन 8n स्टेट्स में से कौन सी फिल्ड है कौन सी एम्प्टी है। फिर क्या किया जाता है कि इनके बीच में इंटर एटॉमिक सेपरेशन को और कम किया जाता है। इधर इधर को आ रहे हैं हम ओरिजिन की तरफ, डिस्टेंस कम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जब आप और कम कर देते हो तो एक स्टेज पर आकर ये कुछ इस तरीके का बेटे जो है बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, दिस वे बेटा। ये आपके पास फील्ड एनर्जी लेवल्स जो हैं ये एक तरफ, और आपके एम्प्टी एनर्जी लेवल्स जो हैं ये एक तरफ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दीज आर द फील्ड एनर्जी लेवल्स, ये आपके पास एम्प्टी एनर्जी लेवल्स अलग हो गए, और इनके बीच में ये जो सेपरेशन है इसको आप फॉरबिडन एनर्जी लेवल कह देते हो। सो तीन तरह के हमारे पास ग्रुपिंग बन गए। पहले वाला हमारे पास बन गया है एम्प्टी एनर्जीज का, इसको कंडक्शन बैंड, और जो लोएस्ट हाइट पर आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड वेलेंस बैंड, और ये इनके मिडल में दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तीन तरीके के एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी बैंड्स हैं। वी हैव वेलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड। तो एक मिनट बेटे, करिए आइए देखिए बेटे अगेन, ये हमारे पास बेटे टोटल 8n एनर्जी लेवल्स हैं। इन 8n एनर्जी लेवल्स में से 4n आपके फील्ड हैं, 4n आपके बेटे एम्प्टी हैं। जब आपने डिस्टेंसेस इनके बीच में एटम्स के बीच में कम करना स्टार्ट किया, तो डिस्टेंस कम होने पे इनकी इंटरमिंगलिंग इंटरमिक्सिंग हो गई, हमें नहीं पता चल रहा कौन सा फील्ड है कौन सा एम्प्टी है। और जैसे जैसे डिस्टेंसेस हमने कम किए, खाली वाले अलग हो गए हैं, फील्ड वाले अलग हो गए हैं। ये जो फील्ड वाले एनर्जी बैंड्स का ग्रुप बन गया है इसको आपने बोल दिया वेलेंस बैंड, जो एम्प्टी का ग्रुप बन गया है इसको आपने बोल दिया कंडक्शन बैंड, इनके बीच में खाली जगह जो रह गई है दिस इज कॉल्ड बेटे योर फॉरबिडन एनर्जी बैंड। बेटे आइए मैं थोड़ा और आपको बेटे इनके बारे में समझा दूं कि कैसे कैसे हमने इनके साथ बेटा डील करना है। लेट अस फोकस अपॉन दीज ऑल। हमारे पास बेटे एक है वेलेंस बैंड,
वैलेंस बैंड, सेकंड हमारे पास है बेटे फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन बैंड, तीसरा हमारे पास है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड बेटा। ये तीन हमारे पास के बैंड्स हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। वेलेंस बैंड जो है बेटा, ये आपका फिल्ड एनर्जी लेवल है जो ये 4n स्टेट्स के साथ बना हुआ था। दिस इज योर फिल्ड एनर्जी बैंड। और कंडक्शन बैंड आपका जो है, इट इज एम्प्टी एनर्जी बैंड। इसमें मोस्ट प्रोबेबली बेटे कोई भी एनर्जी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ये खाली होता है। और फॉरबिडन बैंड जो है, इट इज द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन द वेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बेटा। सो इस तरीके से बेटे इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के बेसिस पे हम हमारे जो एनर्जी बैंड्स हैं इनकी फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। एक बार फिर से बेटे ध्यान दीजिएगा, एटम्स हैं हमारे पास सॉलिड्स के केस में। एग्जाम्पल हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल का लिया है, सिलिकॉन का लिया है। जब हम एक से ज्यादा एटम्स को नजदीक लेके आएंगे तो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन की वजह से ये एनर्जी लेवल है, मान लीजिए एक एटम का, ये दूसरे का है। जब आप नजदीक लेके आओगे तो एनर्जी लेवल्स में स्लाइड थोड़ा सा एनर्जीज का फर्क पड़ जाता है। इस तरीके से ये एनर्जी के जो लेवल्स हैं ये अपने आप को इंटरेक्शन की वजह से एडजस्ट कर लेते हैं, और आपका जो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स जब बन जाएगा उसको आप एनर्जी बैंड कह दोगे। फिर आपने डिस्टेंसेस और कम किए, आपका जो फील्ड वाली एनर्जी लेवल्स की ग्रुपिंग है वो अलग हो गई, एम्प्टी वाले एनर्जी लेवल्स की ग्रुपिंग अलग हो गई। इसको आपने कंडक्शन, इसको वेलेंस बैंड बोल दिया, और इनके बीच में ये जो आपको गैप क्लियरली विजिबल है इसको आपने बोल दिया फॉरबिडन एनर्जी बैंड बेटा। तो ये आपकी बैंड फॉर्मेशन इन द केस ऑफ द सॉलिड्स है। अब इसको हम बेटे फर्दर मोर सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स में भी आपके पास तीन टाइप के प्रोबेबली सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स हैं, इंसुलेटर्स हैं और सेमीकंडक्टर्स हैं। उनमें ये तीनों किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, लेट अस बेटे फोकस अपॉन दैट। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर बेटा, किसी भी बच्चे को कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। ईश्वनी, यस सर। ईश्वनी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ईश्वनी की कोई आवाज नहीं आ रही है। सर बोलते रहूं सर। ईश्वनी, माइक आपका चल रहा है बट आवाज नहीं आ रही बेटा। देर माइक बी सम सर प्रॉब्लम मे बी इन दिस सिस्टम और इन योर सिस्टम। ओके बेटे ठीक है। हाँ जी बेटे आप बताइए, चलें आगे, चलते जाएं। ओके आइए बेटे फिर देखें बात करके, मेटल्स के केस में हमारा ये कैसे बनेगा एनर्जी बैंड डायग्राम, और देन इंसुलेटर्स के लिए कैसा है, और देन बेटे सेमीकंडक्टर्स के लिए कैसा होगा। लेट अस गो फॉर विद द मेटल्स बेटा। मेटल्स के केस में हमारे बेटे ये तीनों एनर्जी बैंड्स किस तरीके से एडजस्टेड रहते हैं, लेट अस फोकस अपॉन दिस। आपके पास बेटे मेटल्स के केस में वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाया करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये, लेट मी रीड्रॉ रादर, ये आपके पास बेटे एक वेलेंस बैंड है मेटल्स के केस में। ये वेलेंस बैंड आपका यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक इसकी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है बेटा वो आपका वेलेंस बैंड से ओवरलैप कर जाता है, यहां से कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो जाता है। इट मींस दैट कि कंडक्शन बैंड
और वेलेंस बैंड में ये कॉमन रीजन है। इसका फर्दर मीनिंग क्या हुआ कि मेटल्स के केस में देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसका फर्दर मोर मीनिंग ये है कि वेलेंस बैंड में जो भी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं ऑलरेडी वो कंडक्शन बैंड में भी है। अगर आप सिंपली मेटल्स की बात कर लो, कॉपर की बात कर लो, अल्मीनियम की बात कर लो, आप कॉपर को या अल्मीनियम को अगर रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवाना चाहो तो वो इजीली कंडक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वेलेंस बैंड में दे आर ऑल्सो इन द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में आपके जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो इजीली कंडक्ट कर जाया करते हैं। सो इसका मतलब है कि इसने फॉरबिडन बैंड जो है वो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम वैल्यू, अब मैं नेगेटिव तो नहीं लिखूंगा इसीलिए ओवरलैप हमने लिख दिया है कि ये कर रहे हैं इन द केस ऑफ द मेटल्स। अगर आप बात करोगे बेटे सेकंड केस में हमारे इंसुलेटर्स की, बेटे इंसुलेटर्स के केस में अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओगे, इंसुलेटर्स इनमें आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बेटे इसको आप बोल देते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरीके का सेटअप आ जाएगा दिस वे। ये आपके पास वेलेंस बैंड, ये आपके पास कंडक्शन बैंड, ये आपके पास फॉरबिडन बैंड बेटा। ये जो फॉरबिडन बैंड है इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का एनर्जी गैप है। इसमें जो एनर्जी गैप ई जी है दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली। अब इसका मतलब ये हुआ कि वेलेंस बैंड में आपके जो एनर्जी स्टेट्स हैं, इमेजिन कर लीजिए दीज आर द एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट इन द वेलेंस बैंड, और इस एनर्जी स्टेट में मैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स इमेजिन कर लीजिए मान लेता हूं। इस इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे, एनर्जी सप्लाई करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप डायरेक्टली हीट कर दीजिए, आप इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट कर दीजिए, या अगर वो भी नहीं करना तो यू मे बी हैविंग सम अदर इलेक्ट्रॉन, यू जस्ट बेटा मेक दैट इलेक्ट्रॉन टू स्ट्राइक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने सेकेंडरी इमिशन में कहा हुआ है। किसी भी केस में ले लीजिए, आप अपने इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देंगे तो ये जंप करके फॉरबिडन बैंड को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। अगर ये कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकता है इट विल मीन दैट कि फॉरबिडन बैंड जो है ये बहुत वाइड है, बड़ा है, और इसमें ये एनर्जी का गैप ज्यादा है। जब तक आपका इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा ये करंट कंडक्शन शो नहीं करेगा। इसी वजह से आपके जो इंसुलेटर्स हैं दीज आर नॉट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट और दीज आर द पुअर कंडक्टर्स बेटा, और ये कंडक्ट करता ही नहीं है आप ऐसे भी कह सकते हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल आप वुड कह सकते हो, रबर, ग्लास, ये कुछ इसकी बेटे एग्जांपल्स हैं। इन तीनों केसेस में एनर्जी गैप बेटे काफी ज्यादा बड़ा है तीनों एग्जांपल्स में, और आपके इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। लेट अस कम टू द केस ऑफ इंसुलेटर्स बेटे, देन हमारा इंसुलेटर्स के बाद सॉरी सेमीकंडक्टर्स आफ्टर दिस बेटा। सेमीकंडक्टर्स के केस में बेटा वी हैव दिस टाइप ऑफ सेटअप। ये आपके पास इट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज विथ ए वेलेंस बैंड, दिस इज फॉरबिडन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड।
ये जो बैंड गैप है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, ये करीब करीब बेटे अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये एनर्जी का गैप है इसका। बेटे जो वैलेंस बैंड में आपकी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इमेजिन कर लीजिए दीज आर द स्टेट्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, ये लेवल्स मैंने कुछ इस तरीके से शो कर दिए। अगर आप इनको स्लाइटली हीट करोगे तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे पड़ा है इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इन दिस वे बेटा रूम टेम्परेचर पर आपके जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पड़े हैं दे हैव द कैपेसिटी टू जंप टू द कंडक्शन बैंड। जिस जगह से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए हैं वहां पर अब एक एम्प्टी स्पेस बच गया है, खाली जगह रह गई है, दैट इज कॉल्ड होल। तो ये होल एक नई टर्म बेटे हमारी यहाँ पर देखने को मिलती है। होल इज ए सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू सम अदर लेवल। सो बेटे ये होल बन गया, होल पे चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही है लेकिन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, होल पर बिल्कुल बराबर का ही चार्ज होगा लेकिन इट विल बी पॉजिटिव, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का इसके ऊपर चार्ज रहेगा। अब बेटे जंप करने का फायदा क्या, जंप करके यहाँ चला तो गया, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। अब बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे, इमेजिन करिएगा आप इस पर्टिकुलर इन सेमीकंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो। इमेजिन करिएगा ये आपने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट करने पे क्या होगा, आपका कुछ ये सर्किट, सिंपलेस्ट में सर्किट बना रहा हूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये नेगेटिव ही आमने सामने भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को बेटे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट में फ्लो होने लगेगा, और इधर आपकी जो होल्स हैं बेटा ये होल्स को ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और आपका जो होल करंट है दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस वे। तो दो टाइप का करंट आपका यहाँ पे बेटे बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड बेटे होल करंट। तो यू कैन वेल व्यू दैट बेटा इन द केस ऑफ द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स बेटे आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो कर रहे हैं और होल्स जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्रिएट हुए हैं वो भी मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो आपका ये पर्टिकुलर मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन स्टार्ट कर देता है शो करने। और अगर हम बात करें इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स में बिकॉज आपकी होल बन ही नहीं पाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाए, एक बात याद रखिए जब तक आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, वैलेंस बैंड का बच्चों मतलब है कि आपका ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे हुए, ये फ्री नहीं है, ये मूव ही नहीं कर सकता, आपका ये है तो मेटल का ही, मे बी कोई भी आप इंसुलेटिंग मटीरियल ले लें उसका एटम ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस और ये अट्रैक्टेड रहता है न्यूक्लियस की तरफ। जब तक आप इसको यहाँ से डिटैच नहीं कर पाएंगे ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। वही केस यहाँ पे है, आपके इंसुलेटर जो है इन केसेस में अगर आप इंसुलेटर्स को रूम टेम्परेचर पे लेके आते हो तो ये जंप करके यहाँ कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उस केस में ये बेटे आपके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते और नो कंडक्शन इज शोन। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स में बेटे आपका जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स हैं बिकॉज ये ओवरलैप कर रहे हैं
तो आपके मेटल्स के केस में रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एस पी इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर ही रहे हैं और वो आपको करंट कंडक्शन शो कर देंगे। तो बेटे लेट मी गिव यू द फाइनल व्यू कि किस तरीके का अरेंजमेंट होगा। अगर आपके पास मेटल्स हैं, मेटल्स के केस में बेटा आपके पास एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरीके के हैं। ये आपका यहां तक बेटे बन गया वेलेंस बैंड और यहां से आपका स्टार्ट हो गया कंडक्शन बैंड और आपके इन दोनों ने ओवरलैप कर लिया। दिस इज फॉर मेटल्स। इंसुलेटर्स के केस में क्या है आपके पास बेटा, ये आपका इस तरफ वेलेंस बैंड है, इस तरफ आपका कंडक्शन बैंड है, ये फॉरबिडन बैंड है, ये काफी बड़ा फॉरबिडन बैंड, इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, इसको क्रॉस नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज फॉर इंसुलेटर्स। और अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की बेटा, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में आपके पास बेटा ये आपका वेलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, दिस इज फॉरबिडन बैंड, इसकी एनर्जी जो है करीब करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स इजीली रूम टेम्परेचर पर वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर देते हैं और ये आपको फिर बेटे रिमार्केबल जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो कर देते हैं। सो बेटे इतना एक बार देख लीजिएगा, फिर बाकी कल करते हैं। ठीक है बेटा, इधर बेटे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो। इश्पुनीत, क्षितिज, मानविया, मान्या, सिया, सुप्रिया, गुंजोत, वंशिका, ध्रुव शर्मा, एनी चाइल्ड हैविंग एनी पॉइंट? ओके बेटा, इसको बेटे एक बार ब्रीफली पढ़ लीजिएगा, फिर कल आगे चलेंगे। सो थैंक यू ऑल बेटा।